100 के विशेष न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा रामलाल महतो को एक बच्ची के साथ रेप हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई गई। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार से, जहां पर फांसी की सजा सुनाई गई है कोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि 2 जून 2018 को 3 साल की एक मासूम बच्ची के साथ पहले बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। खबर बिहार के समस्तीपुर जिले से है, जहां कोर्ट ने एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। समस्तीपुर के ADJ 6 की अदालत में रेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी रामलाल महतो को फांसी की सजा सुनाई गई है। 2 जून 2018 को समस्तीपुर के दलसिंह सराय में एक 3 साल की बच्ची के साथ पहले रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद ADJ 6 की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि 2 जून 2018 को बच्ची अपनी मां के साथ गोद में थी और उसकी मां जो है वो खेत से जो बकरी है वो चरा करके घर लौट रही थी। उसी बीच में आरोपी ने जो है उसकी मां के गोद से उस बच्ची को पहले अपने कब्जे में लिया, उसके बाद उसे लेकर के सुनसान इलाके में गया, जहां पर उसने हैवानियत का ये पूरा खेल खेला, जिसके बाद बच्ची की हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि ये जघन्य अपराध है और इसमें फांसी से कम की सजा जो है वो नहीं दी जा सकती है। वकील ने क्या कुछ कहा है इस फैसले के बाद, छोड़ जाते हैं आपको उस पूरे बयान के साथ। विशेष न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा रामलाल महतो को एक बच्ची के साथ रेप हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई गई है। समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो गंदे मानसिकता के लोग जो हैं इससे बचें और सभी बच्चियां जो हैं अपनी बेटी अपनी बहन उस तरह से देखें, ताकि समाज से ये गंदगी हटे। इसमें सिर्फ न्यायालय का योगदान ही नहीं, समाज के लोगों को भी इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर बाप सही हो बेटी के लिए जितना चिंता करते हैं, उस तरह बेटा के लिए भी उनको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि बेटा ही जाके गलत काम करता है।